हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए के ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट सीधा डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कैसे जा सकता है। ठीक है, पहले हम वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि मैटर के स्टेट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट क्या होता है। ठीक है, और हम इनका आपस में इंटर कन्वर्जन भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि सॉलिड स्टेट में गैसेस स्टेट में कैसे जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस होता है, जो सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाने का, वो सब्लिमेशन होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें अगर आप सॉलिड को डायरेक्टली हीट करते हो, ठीक है, अगर आप इसको हीट करते हो तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप गैस को डायरेक्टली कूल कर देते हो तो वो क्या होगा, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन हम कहेंगे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए, और सब्लिमेशन कहेंगे हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए। तो भाई जो सब्लिमेशन शो करते हैं वो कुछ सब्सटेंस होते हैं, मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। एक तो होता है आपका कैम्फर, कैम्फर जिसे आप कपूर बोलते हैं। एक होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक होता है आपका नेफ्थलीन। नेफ्थलीन आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी पुराने कपड़ों में रख देती हैं ताकि उन पे कीड़े ना पड़े। ठीक है, और एक और होता है एंथ्रासीन। ये आपके अभी मैंने आपको बताए ये चार सब्सटेंसेस जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं, ये डायरेक्टली अगर आप इनको हीट करोगे तो ये डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं भाई बुक में एक्टिविटी आपकी। टेक सम कैम्फर, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश। आपको कैम्फर लेना है और अमोनियम क्लोराइड लेना है, उसको आपको चाइना डिश पे रखना है। ठीक है, चाइना डिश कुछ ऐसी होती है जिसपे आपका ज़्यादातर चाइनीज़ फूड बनता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ साइज़ में थोड़ी छोटी होगी चाइना डिश। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, एक फनल होता है, ठीक है, उसको आपको उल्टा करके रखना है चाइना डिश पे, कुछ इस तरीके से जैसे आपको फिगर में दिखाया है, कुछ इस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, नीचे से फिर आप क्या करेंगे, एक बर्नर रखेंगे आप और इसको हीट करेंगे। ठीक है, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। ये जो आपका एंड है ना फनल का, उस पर आपको एक कॉटन का प्लग लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हीट करना है स्लोली और ऑब्जर्व करना है कि होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब इसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, जब आप इसको जो अमोनियम क्लोराइड है इसको जब आप हीट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये सब्लिमेशन शो करेगा, यानी कि ये सॉलिड से सीधा गैसेस स्टेट में जाएगा। तो भाई जो आपको दिखेगा कि ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड है इसके वेपर्स बन के आपको उड़ते दिखाई देंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो आपका एंड देख रहे हो ना, इसका ये जो एंड पार्ट है इसका, इतना ये जो है ठंडा पड़ा हुआ है, यानी कि आप नीचे से हीट दे रहे हो लेकिन ये जो पार्ट है इसका ये तो कूल है, ठंडा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये भाप बनकर ऊपर आ रहा होगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तो वो क्या होगा, यहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा, सॉलिड बनकर दोबारा से यहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो दोबारा से डिपोजिशन शो करेगा। क्योंकि वो को अगर आप गैस को कूल करोगे तो ये सब वो डिपोजिशन शो करेगा और यहाँ पे ये जम जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हम प्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, जो सब्सटेंस आपके लिए आपको सब्लिमेशन दिखाते हैं उसके लिए प्रोसेस यूज़ करते हैं हम।
इसमें अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे प्योर अमोनियम क्लोराइड चाहिए, ठीक है, और आपने मुझे दे दिया इम्प्योर, आपने उसे नमक मिला के दे दिया मुझे, तो मैं उसको प्योर कैसे करूँगा? भाई मैं सिंपल से चाइना डिश लूँगा, उसमें उस मिक्सचर को रखूँगा जिसमें अमोनियम क्लोराइड और नमक मिक्स है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको हीट करूँगा, हीट करने के बाद वो भाप बनेगा, ठीक है, और भाप बनकर वो जो प्योर होगा NH4Cl वो यहाँ पर जम जाएगा, और जो नमक होगा आपका वो यहीं पर रहने वाला है, क्योंकि वो नमक जो है आपका सब्लिमेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक सब्लिमेशन सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस प्योरिटी के लिए यूज़ होता है। अब देखते हैं नीचे हम, हाँ, स्टेट अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। भाई जो आपका डायरेक्टली स्टेट चेंज होता है सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में जाए बिना, उसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और गैसेस स्टेट का डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में जाना लिक्विड स्टेट जाए बिना, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई जो प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है किसी मैटर के पार्टिकल्स पे, ठीक है। हमने टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पहले पढ़ा था, अब हम प्रेशर का इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेज बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। भाई हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनका जो बीच में डिस्टेंस होता है, यानी कि आपके ये कुछ पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस होता है इन्हीं के बीच में, ये जो डिस्टेंस है इन्हीं के वजह से क्या होता है, डिफरेंट स्टेट्स होते हैं मैटर के। इन्हीं के वजह से आप, हमने पढ़ा कि भाई इसी के वजह से मैटर के स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस, फिर क्या होगा जब हम इस पर अपना प्रेशर डालेंगे, ऊपर से बाहरी प्रेशर डालेंगे और इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर देखते हैं अब भाई, जो कि एक सिलेंडर में क्या है, बंद है, एक गैस हम सिलेंडर में बंद है, उसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। विल द पार्टिकल्स कम क्लोज़र, जो पार्टिकल्स हैं क्या वो पास पास आएंगे। Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या आपको लगता है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आएंगे और जो मैटर का स्टेट है वो चेंज होगा, ठीक है। तो भाई देखते हैं क्या होगा, अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। भाई ये आपने यहाँ पे फिगर दी हुई है, यहाँ पे क्या करा, आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर आपका दिया हुआ है। अब इसमें गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ये आप देख रहे हैं, जैसे कि अब इस पर आपने प्रेशर दिया है पिस्टन से, आप इसको प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको प्रेशर देंगे भाई, इनके बीच में तो गैप है, अब आप इसको ईज़िली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल होती है गैस, क्योंकि इसमें बीच में गैप्स होता है, गैप होता है। जब आप इसको कंप्रेस करोगे भाई, तो इसको लिक्विफाई किया जा सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये कंप्रेस होके पार्टिकल्स पास पास आएंगे और ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर आप इसको और कंप्रेस करेंगे, क्योंकि अभी भी इनके बीच में गैप है, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं भाई, अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। भाई प्रेशर को आप रिड्यूस करके या टेम्परेचर, प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को कम करके आप गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हो। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आपने सुना है CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, यानी ड्राई आइस के बारे में, ठीक है भाई। उसे हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है भाई, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट, क्योंकि जो CO2 है ना, सॉलिड CO2, वो आपका सब्लिमेशन शो करता है। अगर आपका ये सब्सटेंस आपका टेम्परेचर में आ जाता है, या फिर 1 ATM प्रेशर से कम, ज़्यादा प्रेशर में यही इसको स्टोर किया जाता है, क्योंकि इससे कम प्रेशर में आ जाता है
तो भाई ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको हाई प्रेशर के अंदर बंद रखते हैं। ठीक है, ऑन डिक्रीज एट प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफेयर विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, दिस इज द रीज़न डेट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसलिए इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, थस वी कैन से डेट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर। इसीलिए भाई हम कह सकते हैं जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है उसे कम या ज़्यादा करने से हम सब्सटेंस के स्टेट का बारे में कुछ कह सकते हैं, वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो या फिर गैस हो। ठीक है भाई, अब ये फिगर दी हुई है इसके बारे में देखते हैं। भाई जब आप सॉलिड को, भाई सॉलिड का लिक्विड में जो कन्वर्ट करोगे आप, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न। अगर आप डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में जाते हो तो उस प्रोसेस को हम फ्यूज़न बोलते हैं। आप लिक्विड से गैस में आओगे तो उसके वेपराइजेशन बोलते हैं, और गैस से आप डायरेक्टली सॉलिड में जाते हो तो अभी मैंने बताया आपको डिपोजिशन बोलते हैं। अगर आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस में आओगे तो सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, ये आपके प्रोसेसेस जो आपको इस फिगर्स में बताया गया है। ठीक है भाई, अब आपका कुछ पार्ट हो रह गया है एवोपरेशन के बारे में, अब आपका 1 या 2 क्लास में चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तब तक के और इसके बाद में आपको इस चैप्टर के नोट्स भी देने वाला हूँ ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छी तरीके से लिख पाएँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारी फैमिली में जुड़कर इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपने अच्छी तैयारी पेपर की अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।